एक सिपाही सारे अधिकारियों पर भारी। जी हां, एक सिपाही ने धोखाधड़ी कर किसान की जमीन हड़प ली और किसान को एक पैसा भी नहीं दिया। आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान ने अपने परिवार के साथ जगह जगह पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटे, भूख हड़ताल तक की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ महीने पहले किसान की भूख हड़ताल के दौरान ही मृत्यु भी हो गई, लेकिन कान में रुई डालकर बैठे अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हालात ये हैं कि किसान की विधवा फिर एसएसपी ऑफिस पर सिपाही से पैसे दिलवाने और उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर चिलचिलाती गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठ गई है। मामला मुरादाबाद का है। पेश है हमारे रिपोर्टर्स शांतनु मनोज की एक रिपोर्ट। कड़ी धूप में मुरादाबाद के एसएसपी ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठी ये वृद्ध विधवा लीलावती मृतक किसान शेर सिंह की पत्नी है। दरअसल मझोला थाना क्षेत्र के ग्राम धिमरी निवासी वृद्ध किसान शेर सिंह की 8 जनवरी को अनशासन करते हुए मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान की विधवा लीलावती ने इस मामले में बिजनौर में तैनात सिपाही महेंद्र पाल और उनके बेटे व पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने और धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कराया था। सिविल लाइन्स के हिमगिरी कॉलोनी निवासी सिपाही महेंद्र पाल ने 9 साल पहले फर्जीवाड़ा करके बिना पैसे दिए शेर सिंह की 3 बीघा जमीन अपने नाम करा ली थी। बकाया रकम ना देने पर शेर सिंह ने सिपाही महेंद्र पाल सिंह के खिलाफ सिविल लाइन्स में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। इसी बीच शेर सिंह ने सिपाही के खिलाफ आमरण अनशासन शुरू किया और हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई थी। आज आप कहां पे बैठे हैं? एसपी के दफ्तर के सामने। क्या मांगे आप? मेरी मांग ये है, मेरी ज़मीन लिखवा ली, पौने 3 बीघा, हिंगरी कॉलोनी के महेंद्र नाम है, 400 बीसी करके रही हैं, 3 बीघा, पौने 3 बीघा ज़मीन लिखवा ली। अब उनने मुझे पैसा ना दिया, एक पैसा ना दिया। मांगते 10 साल हो गए, आज का नाम 10 साल हो गए। सभी अधिकारियों पर घूम रहे, मैं भी, मेरे बुड्ढे भी। अब मेरे बुड्ढे जो है हार कर रही हैं, जब ना पीती कहीं तो जब जान कर रही हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर वो ख़त्म हो गए। 40 दिन का ही भूख हड़ताल? आज 5 महीना हो गए भूख हड़ताल पर, उतना से फिर मैं भाग रही हूँ। इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी से बात की? ना, अधिकारियों ने ये तरकाश तो सब जगह दिया ही, आई जी के हाँ, एसपी को, डीएम को, सबको दिया ही, किसी ने मिशन होना कही कहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर? ना, कुछ नहीं, कोई सुनता ही ना। अब शेर सिंह की पत्नी लीलावती लगातार सिपाही महेंद्र पाल सिंह को भूमाफिया घोषित करने और उसके नौकरी से बर्खास्त करने की मांग को लेकर अधिकारियों के यहां चक्कर काट रही है। आज लीलावती ने एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने महेंद्र पाल पर दर्ज मामले, विभाग द्वारा की गई कार्रवाई और सिपाही के उत्पीड़न से मरने वालों का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है। लीलावती ने चेतावनी दी है कि सिपाही को भूमाफिया घोषित कर बर्खास्त किए जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। ये आपका धरना कब तक चालू रहेगा? अब देखो, जब ये वकील साहब बताएंगे, जब तक मांग पूरी, जेल जावे, जेल जावे, हमारी मुआवजा देवे और घुमा के हो करेंगे, जेल जेल जरूर जावे। ठीक। न्यूज डेस्क INN।